हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द गुजराती चेस जोन। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड की बहुत ही फेमस ओपनिंग इटालियन कॉम्प्लेक्स। इटालियन गेम में दोस्तों टोटल 5 लाइन है, अलग अलग डिफरेंट टाइप की लाइंस। तो पूरी इटालियन सीखने के लिए ये वीडियो एंड तक जरूर देखें दोस्तों, क्योंकि सारे वेरिएशन में आपको बताऊंगा इसमें। तो सबसे पहले देखते इटालियन क्या है, व्हाट इज इटालियन। E4 लाइन में इटालियन ओपनिंग होती है, E4, E5, जिसे किंग पॉन ओपनिंग भी कहते हैं। सेकंड मूव नाइट F3, ब्लैक रिप्लाई देता है नाइट C6। अब दोस्तों यहां पे बिशप C4, थर्ड मूव व्हाइट का बिशप C4। यहां से अलग अलग ओपनिंग के नाम चेंज हो जाएंगे, मतलब आप अलग अलग नाम से ओपनिंग को जानेंगे। तो सबसे पहला जो है हंगेरियन डिफेंस, दूसरा है पेरिस डिफेंस, थर्ड है गुइको पियानो, फोर्थ लाइन है इवांस गैम्बिट और फिफ्थ है टू नाइट डिफेंस। तो सभी को मूव बाय मूव हम पहले देख लेते हैं। तो हंगेरियन डिफेंस, ब्लैक अगर ये रिप्लाई बिशप E7 थर्ड मूव में करता है तो यहां होता है हंगेरियन डिफेंस। ब्लैक BC4 के रिप्लाई में D6 करता है तो ये होती है पेरिस डिफेंस। और गुइको पियानो तो फेमस है, सबको पता ही होगा, BC5, BC4 के रिप्लाई में BC5, तो ये हो जाती है गुइको पियानो। इवांस गैम्बिट, जिसमें BC5 के बाद अगर वाइट B4 पॉन सेक्रीफाइस करता है तो यहां लाइन होती है इवांस गैम्बिट। टू नाइट डिफेंस में क्या होता है कि BC4 के रिप्लाई में ब्लैक खेलता है नाइट F6। ये पांचों लाइन अलग अलग है, मतलब नाम एक ही है, इटालियन गैम्बिट, इटालियन कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। चलिए पहले हम देखेंगे हंगेरियन डिफेंस के बारे में। दोस्तों हंगेरियन डिफेंस में टोटल 3 ट्रैप है। यहां पे हम बिशप E7 की बात कर रहे हैं, करेक्ट। बिशप E7 के बाद पहली ट्रैप है व्हाइट खेलता है D4, ब्लैक रिप्लाई देता है E takes D4, नाइट टेक्स डी फोर, देन Queen takes D4, Knight F6। अब ये G7 पे टारगेट है इसलिए Knight F6, E5, ब्लैक रिप्लाई देता है C5। अब देखो व्हाइट का ये जो पॉन है वो क्वीन नाइट पे अटैक कर रहा है और काउंटर अटैक में पॉन से क्वीन पे है, तो Queen F4, यहां पे व्हाइट रिप्लाई देता है Queen F4। अब नाइट अगर मूव करता है तो Queen F7 चेकमेट है, तो नाइट मूव नहीं कर सकता। तो इसके रिप्लाई में फोर्स काउंटर अटैक D5, लेकिन आफ्टर D5 सिंपल व्हाइट पॉन टेक्स नाइट आफ्टर D into C6 और F cross E7, सिंपल माइनर पीस डाउन, मतलब व्हाइट पीस अप हो जाता है। बहुत ही बढ़िया ट्रैप है, सिंपल है, सबको समझने में आसान होगा। E5 के बाद नाइट अगर मूव करता है तो और भी जबरदस्त मजा आएगा, लेकिन C5 काउंटर में आफ्टर Queen F4 सिंपल व्हाइट विन से, क्योंकि नाइट मूव करने से F7 पे मेट है। चलिए ट्रैप नंबर 2 देखते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे C3 मूव ब्लैक ने जब पॉन टेक्स पॉन किया तो नॉर्मली पहली ट्रैप में मैं Knight into D4 देखा, लेकिन आफ्टर पॉन टेक्स पॉन व्हाइट एक और भी ट्रैप कर सकता है C3, पॉन टेक्स पॉन और Queen D5।
अब यहाँ पे देखो F7 पे मेट है, जो मेट का भी बचा नहीं सकते। नाइट H6 भी कोई ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकता। बिशप इंटू H6 देन क्वीन इंटू F7। D6 के रिप्लाई में क्वीन F7 और मेट इन टू है यहाँ पे, और कोई रिप्लाई नहीं है ब्लैक के पास चेकमेट सेव करने का। तो ये थी सेकंड ट्रैप। ओके, ये वाली ट्रैप बहुत ही मजा आएगी। इसकी पजल भी आप लोगों को और सॉल्व करने में आती है कई कई बुक में। E4 E5 BC4 और यहाँ पे हम देख रहे हैं हंगेरियन, तो बिशप E7। यहाँ पे Nc3 एक और वेरिएशन है सिंपल, दोनों नाइट डेवलप करके कैस्टलिंग वाली लाइन है। Nc6 D4 ब्लैक रिप्लाई देता है D6 पॉन टेक्स पॉन नहीं, यहाँ पे D4 में सिंपल पॉन टेक्स पॉन देन नाइट टेक्स पॉन, उसके बाद D6 और D6 के बाद वाइट कैसल ब्लैक कैसल। अब आप देख सकते हो कम्प्लीटली दोनों का डेवलप है। इसके बाद थोड़ी सी मिस्टेक जैसे कि RE8 H3 H3 जरूरी है बिशप को G4 आने से रोकने के लिए, RE8 RE1 और यहाँ पे अगर ब्लैक ने एक मिस्टेक कर दी, मान लो कि नाइट डी सेवन बहुत ही बड़ी ब्लंडर है, क्योंकि नाइट डी सेवन आइडिया क्या है कि बिशप को यहाँ सेटल करना है, बिशप टेक्स नाइट पे अटैक देना है। लेकिन बहुत सारी गेम में ऐसा हो चुका है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, तो वीडियो पॉज करके अपने हिसाब से मूव ढूंढिए, मैं बताऊंगा तुरंत। बिशप टेक्स F7 आफ्टर सैक्रीफाइस है यहाँ पे डबल अटैक है रूक और किंग के ऊपर, तो फोर्सफुली किंग टेक्स F7 जरूरी है। और उसके बाद Ne6 ये जबरदस्त मूव है क्योंकि क्वीन ट्रैप है, तो यहाँ भी कंपलसरी किंग टेक्स E6, उसके बाद मेट इन टू है क्वीन D5 चेक एंड क्वीन F5 चेक में। तो ये तीनों ट्रैप हंगेरियन डिफेंस की है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पेरिस डिफेंस, पेरिस और उसके बाद गुइको पियानो, बहुत सारे ओपनिंग ट्रैप भी आपको सीखनी है, इसीलिए इटालियन के सारे ट्रैप्स में आपको अलग अलग वीडियो में बता दूंगा। चलिए दोस्तों, अब मैं आपकी एक अपनी खेली हुई गेम दिखाता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग। कई बार ऐसा होता है कि हम एक्सचेंज डाउन होने के बाद मायूस हो जाते हैं कि चलो अब हम तो गेम लॉस हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता, गेम को लास्ट तक आपको पकड़ के खेलना होता है। एक्सचेंज यानी तुरंत विनिंग नहीं है, मिडल गेम अगर चालू है तो आप गेम में कमबैक आ सकते हो। इसी के बारे में ये एग्जाम्पल के रूप में आपको एक गेम दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। मूव बाय मूव D4 Nf6 Nf3 G6, ये है किंग्स इंडियन डिफेंस। E3 Cd5 बिशप E2, यहाँ पे मैं अलग अलग तरीके से खेलता हूँ, कई बार बिशप D3 या कई बार बिशप E2 या कई बार C4। C5 के सामने रिप्लाई है मेरा कोले सिस्टम का B3 नॉर्मल मूव, पॉन टेक्स पॉन बिशप G7 बिशप B2 कैसलिंग। अभी कंप्लीटली इक्वल गेम है, नाइट C6 नाइट E5 क्वीन C7 F4, यहाँ नाइट पे दो अटैक है, हमें एक और सपोर्ट बढ़ाना है। बिशप F5 और यहाँ पे बेस्ट चॉइस है C4 नाइट B4, यहाँ पे नाइट C3 बहुत सोच के मैंने खेला, क्योंकि नाइट C2 की जो थ्रेट है उसे अभी हम नहीं रोक सकते, तो नाइट C3 डेवलप कर लिया। मैंने सोचा था कि रुक C1 करके रुक बचा लेंगे, लेकिन बाद में ये पता चला कि नाइट C2 के बाद नाइट E3 फोर्क आ रहा है, तो मैं थोड़ा सा सोच में पड़ गया कि चलो ये तो मेरा एक्सचेंज डाउन हो गया। लेकिन फिर भी क्या हुआ, अभी तो मिडल गेम है, मैं गेम में कमबैक कर लूंगा और कर भी लिया। बिशप D3 किया मैंने, रुक C1 नहीं किया, वैसे भी एक रुक देना ही है, तो बिशप एक्सचेंज करके उसका स्ट्रांग बिशप है, उसने खेला बिशप नाइट E3 और यहाँ पे क्वीन D2 बी नाइट इनटू रुक टेक्स बिशप टेक्स क्वीन टेक्स। अब देखो पोजीशन में क्या है कि वाइट कंप्लीटली लूजिंग है क्योंकि एक्सचेंज डाउन है, और कौन भी इक्वल है, तो अगर ब्लैक इसे एंड गेम लाने में सक्सेस होता है तो सिंपल विनिंग है। लेकिन यहाँ पे हमने कुछ टैक्टिकल्स मूव किए हैं जिससे एंड गेम नहीं आती है। ब्लैक ने E6 किया, यहाँ मैंने रिप्लाई दिया C5। अब देखो यहाँ से शुरू होती है टैक्टिकल, क्योंकि C5 अगर नहीं करता हूँ तो सारे पॉन एक्सचेंज होने के बाद सिंप्लीफाई होती है गेम,
C5 ब्लैक को प्रेशर देगा C6 का। यहाँ पे ब्लैक ने रिप्लाई दिया A6 और यहाँ पे मैंने खेला B4, पॉन को प्रोटेक्शन, नाइट D7। ब्लैक चाहता है कि नाइट एक्सचेंज हो जाए। यहाँ पे मैंने रिप्लाई दिया A4 और यहाँ F6। अब देखो फोर्सफुली नाइट एक्सचेंज करना है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं हो रही है। सेंटर इतना स्ट्रांग है हमारा, तो अगर रुक डाउन भी है, हम एक्सचेंज डाउन भी है, तब भी गेम में आसानी से स्ट्रांगेस्ट मूव ला सकते हैं। नाइट टेक्स, क्वीन टेक्स और यहाँ पे B4। अब देखो दो पॉन का प्रेशर यहाँ बढ़ाना है। ब्लैक ने रिप्लाई दिया पॉन टेक्स। अब दो दो पॉन फिफ्थ रैंक पे आने के बाद इस पॉन को दो दो सपोर्ट भी है। ब्लैक ने यहाँ पे रिप्लाई दिया सेंटर ब्रेक करने का, लेकिन ये बहुत ही मिस्टेक वाले मूव थी, क्योंकि पॉन टेक्स पॉन के बाद हमें D5 पॉन मिल रहा है। ब्लैक ने रिप्लाई दिया यहाँ पे पॉन टेक्स पॉन और यहाँ पे नाइट टेक्स D5, ना कि क्वीन टेक्स D5। हालांकि आप माइनस हो तो गेम में लाइव रहने के लिए क्वीन कभी भी ट्रेड नहीं करनी चाहिए। नाइट D5, ब्लैक ने रिप्लाई दिया, देखो यहाँ पे एक और भी थ्रेड बन गई है, नाइट F6 डिस्कवर चेक से उसकी क्वीन जा रही है। तो ब्लैक ने Rd8 किया, यहाँ पे हमने रुक D1 किया, फिर से वही थ्रेड है, नाइट F6 चेक और क्वीन टेक्स क्वीन, और जो हमारा एक्सचेंज था वो वापस मिल रहा है और पॉन प्लस में हम आसानी से गेम खेल सकते हैं। ब्लैक ने रिप्लाई दिया क्वीन F7, यहाँ पे नाइट को इनविजिबल पिनिंग किया है, लेकिन मैंने भी रिप्लाई दिया है क्वीन C4। उसके बाद अगेन ये थ्रेट है नाइट E7। ब्लैक ने रिप्लाई दिया किंग H8 और यहाँ C6। ये सबसे बढ़िया मूव लगा मुझे और कंप्यूटर में भी बेस्ट मूव बताया है C6। पॉन टेक्स पॉन। अब देखो ये पॉन टू मूव में प्रेशर दे रहा है। ब्लैक ने रिप्लाई दिया है क्वीन चेक और यहाँ पे जबरदस्त ब्लंडर, रुक टेक्स F4, और ये ब्लंडर मुझे देख गई तुरंत ही, क्योंकि उसने सोचा था कि व्हाइट नाइट टेक्स रुक नहीं कर सकता, बैक रैंक मेट है, क्वीन टेक्स रुक पॉसिबल नहीं है क्योंकि कौन से क्वीन मर जाएगी। लेकिन मेरी इंटरमीडिएट मूव जो थी वो थी C7। अब यहाँ पे सभी मूव में ब्लैक लॉस हो रहा है, रुक टेक्स क्वीन करता है तो कौन टेक्स रुक मार के चेक और मेट हो रही है, और बिशप इंटरपोज, क्वीन टेक्स, बिशप मेट। ब्लैक ने रिप्लाई दिया रुक टेक्स नाइट और यहाँ पे सिंपल C8, क्वीन चेक, रुक इंटरपोज, क्वीन टेक्स रुक, बिशप टेक्स क्वीन, देन क्वीन टेक्स रुक, और ये सिंपल यहाँ पे ब्लैक ने रिजाइन कर दिया। तो कैसी रही गेम, रुक डाउन होने के बावजूद आप देख सकते हो कि बोर्ड के ऊपर लास्ट में हम लोग पूरा रुक प्लस है। पहले एक्सचेंज डाउन थे लेकिन पूरा रुक प्लस है। तो ये सब किसके ऊपर डिपेंड है, कि ऐसा नहीं कि आप रुक माइनस हो गए। टैक्टिकल मूव्स ऑन बोर्ड, आप जितना भी ज़्यादा टैक्टिकल ढूंढ लेते हो तो आपकी गेम कभी भी जबरदस्त हो सकती है। जल्द ही मिलेंगे नई ओपनिंग के साथ। जय हिंद, जय गुजरात।